खबर रीवा जिले से है, जहां पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे युवक ने अपने जन माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। पीड़ित ने बताया कि उसका विवाह स्वाति मिश्रा नाम की युवती से हुआ था, जिसके साथ वह रीवा में किराए के मकान में रह रहा था। गत दिवस वह काम से बाहर चला गया, लौट कर आया तो उसकी पत्नी घर में नहीं थी। देखा तो उसके 15,000 नकदी, सोने चांदी के जेवर नदारद थे। युवक ने घटना की जानकारी अपने ससुराल वालों को दी तो ससुराल वालों ने बताया कि वह मायके नहीं आई है। 2-3 दिन बाद खुद स्वाति मिश्रा ने बताया कि वह जबलपुर आ गई है, अब वह उसके साथ नहीं रहना चाहती, वह दूसरी शादी करेगी। पीड़ित ने बताया कि अगर उसकी पत्नी को कुछ हो जाता है तो उसकी जवाबदारी स्वयं स्वाति मिश्रा, उसके माता पिता और गुड़ थाना क्षेत्र के रहने वाले युवक की होगी, जिससे वह शादी करना चाहती है। आइए सुनाते हैं पत्नी से पीड़ित पति चेतन पांडे को क्या आप बीती सुनाई है। चेतन पांडे नाम है, समस्या ग्राम डीही की जी, थाना शाहपुर। समस्या ये है कि हमारी बीवी मायके चली गई, मैं ड्यूटी चला गया था, चुपचाप बिना बताए चली गई थी। अब बोलती है कि मैं नहीं आऊँगी, दूसरी जगह शादी करना चाहती हैं, अंबुज शुक्ला के साथ सुकुलगमा, और उनके माता पिता खुद राजी हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि हमें न्याय चाहिए। और ये है कि ऐसी लड़कियां ना आए तो अधिक अच्छा रहेगा, और तो हम लड़कों को न्याय चाहते हैं कि न्याय होना चाहिए हमारी। शादी क्या घटना हुई? शादी हमने किया था पहले कोर्ट मैरिज पन्ना में, इसके बाद आनंद गार्डन देवतलाव से हुई थी हमारी शादी। दो बार शादी हुई, एक सामाजिक एक कोर्ट मैरिज शादी हुई थी। उसके बावजूद भी वो चली गई और उसके घर वाले रख लिए, और अभी वो उसके माँ बाप भी बोलते हैं कि हम शादी वहाँ करना चाहते हैं, और उन लोग उल्टा पुल्टा बोलते हैं कि हम मार डालेंगे और ऐसी बात करते हैं। दम जान का खतरा, जान के खतरा भी है हमारे। वो लड़का भी फ़ोन लगाता है जिससे वो शादी करना चाहती है, वो भी बोलता है कि मैं उठवा ले जाऊँगा तुमको, लोकेशन लगाया हूँ, ऐसा सब बोलता है। वो फ़ोन करके बोलता है। सामान लेके गई, मंगलसूत्र और कान नाथ नथिया कान की और कान की वाली और 2 मोबाइल लेके चली गई है। ये कहाँ है इनका मायका? है बैसा है, बिछिया थाना लगता है। उनके पिताजी का नाम है राबेन मिश्रा। कहाँ पे किराए पे रहते हैं आप? किराए पे मैं रहता था ये आनंदपुर बाट क्रमांक 10 सारदाठी के पास में रहता था। ये शादी कब हुई थी आपकी, किस महीने में? शादी हमारी हुई थी 16/6/2022 को हुई थी, वहाँ पन्ना में, और 22/6/2022 को देवतलाव गार्डन से हुई थी। अभी कितने तारीख को यहाँ से गई है? ये अभी गई है 19 नवंबर 2022 को गई है। अब फ़ोन लगाते हैं तो धमकी देती है कि हम नहीं आएंगे, तुम्हारे ऊपर कार्रवाई रिपोर्ट करेंगे, दहेज प्रथा लगाएंगे, जो कि 1 रुपये दहेज वगैरह हमको नहीं मिला हुआ था। क्या नाम है? हमारा नाम चेतन पांडे। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602888
5599 पर।